नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिकल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं एक हम स्ट्रेंजर यूएसबी 75T। और दोस्तों, आज इसमें समस्या ये है कि ये एम्पलीफायर, इसको मैं जैसे ऑन करता हूं तो इसमें अलग से नॉइस आती है, अलग से आवाज़ आती है। तो मैं अभी आपको खोल कर इसकी आवाज़ देख ले रहा हूँ कि इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। तो इसको मैं डेक को ऑन करने जा रहा हूँ। हेलो 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 तो दोस्तों, आप देख चुके हैं कि इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। बिल्कुल अलग से आवाज़ आ रही है, बिल्कुल पता नहीं कैसे आवाज़ आ रही है। देखिए, अब इसको बाहर कर दिया तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है, लेकिन इसको FM अब ये ऑक्स पर लगा हुआ है। दोस्तों, इसमें ऑक्स देख लीजिए, ऑक्स जो है तो इसमें रुका हुआ है, लेकिन इसको मैं आवाज बढ़ा रहा हूं तो देखिए। तो ऐसे आवाज़ आ रही है, तो ये हम कैसे इसको सही करेंगे, तो एक बार हम इसमें लगा के चेक कर ले रहे हैं। हेलो 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 आवाज़ में क्लियरिटी नहीं है, आवाज़ बिल्कुल ख़राब बज रही है, बिल्कुल पता न कैसे आवाज़ आ रही है। तो इसको हम चलते हैं इसको देखने के लिए इसमें क्या समस्या है। तो दोस्तों, अभी एम्पलीफायर अभी ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि अभी ये नया है, अभी नया है तो इसमें ये हाल है, और इसके बाद में क्या हाल होगा तो हमें नहीं पता है। तो इसमें देखिए, बिल्कुल सब कुछ इसमें नया लगा हुआ है, और इसमें पीछे देख ले रहे हैं एक बार हम, तो पीछे भी ट्रांजिस्टर सब नए लगे हैं, और ये कंपनी के लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर लग रहा है, अभी ये चेंज नहीं हुआ लग रहा है। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि समस्या क्या है, तो ये अभी ट्रांजिस्टर अभी हल्का फुल्का हमको लग रहा है कि हीटिंग हो रहा है, कि इससे ज़्यादा हीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतना हीट होता है, लगभग इसमें 5% हीट हो रहा है, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसके हम बेसिक वोल्टेज हम चेक कर ले रहे हैं, इसमें बेसिक वोल्टेज इसमें कितना इसमें शो हो रहा है। तो हम डिजिटल मल्टीमीटर को हम सीधे हम DC रेंज पर सेट करेंगे, 20 पर। तो 20 पर हम सेट कर लेंगे, उसके बाद हम चेक कर ले रहे हैं कि कितना इसमें बेसिक वोल्टेज निकाल रहा है। जो 30-55 के जब बेसिक वोल्टेज होती है, हम उसी से जानकारी कर लेते हैं। देखिए, मेरे इन्वर्टर भी अब सीटी मार रहा है, पता न कब साथ छोड़ दे। तो अब क्या बात है कि इसमें हम इसमें जो काला तार है, इसका हम ग्राउंड में लगा दे रहे हैं, कहीं भी बॉडी के ग्राउंड में लगा सकते हैं। तो हम बॉडी के ग्राउंड में लगा चुके हैं, देखिए ये यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ये काला पोल है मीटर का, और इसको हम इसको यहाँ लगा दिया। अब इसको हम बेसिक वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं एक बार हम, तो यहाँ पे 0.32, और यहाँ पे भी उतना, यहाँ पर देख रहे हैं तो 0.32 और 0.32, और यहाँ पे देख ले रहे हैं तो यहाँ पे 0.83
0.83 यहाँ पे बेसिंग वोल्टेज आ रहा है, और इसका हम एक बार हम कलेक्टर पर वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं कि कलेक्टर वोल्टेज कितना शो हो रहा है। तो 15 वोल्टेज इस पे कलेक्टर पर शो हो रहा है, और इसके भी तो इसके भी 16 वोल्टेज देख रहे हैं यहाँ पे 16 वोल्ट, और यहाँ पे देख ले रहे हैं एक बार 15 वोल्ट। तो दोस्तों थोड़ा अंतर है, इससे दिक्कत नहीं हो चलता, लेकिन हम आगे चलते हैं इसके, देखिए इसमें जो और भी है इसके कलेक्टर इधर वाला है, तो इधर वाला हम चेक कर ले रहे हैं एक बार इसका कलेक्टर पे वोल्टेज कितना शो हो रहा है। तो कलेक्टर पर 16.12 वोल्टेज शो हो रहा है, और एक बार इसके हम एमीटर पे चेक कर ले रहे हैं, इसके एमीटर पे जो सबसे लास्ट वाला है तो 0.23, और यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं तो 0.17 और 0.3 आ रहा है, और 0.3 आ रहा। दोस्तों यहाँ पे इसकी मैचिंग नहीं बन पा रही है, हमें ये जिसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हैं ये ट्रांजिस्टर अभी ख़राब नहीं है, यदि ख़राब होता तो इतनी आवाज़ तगड़ी नहीं होती, जो कि आवाज़ इसमें तगड़ी भी आ रही है, तेज़ भी आ रही है, लेकिन आवाज़ में क्लियरिटी नहीं है। तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम इसको चेक इसलिए नहीं करेंगे कि हमें आवाज़ फुल मिल रहा है, और इसके हम चेकिंग करते तो हम ज़्यादा हमें समय लगेगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हमने बहुत बना चुका हूँ, और 30-55 को मैंने बहुत देखा कि बहुत से ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुके हैं, उसको बदल भी दिया और एम्पलीफायर सही भी हो गया। लेकिन आज मैं दोस्तों इसमें हमें नहीं लग रहा है कि 30-55 ख़राब होगा, क्योंकि इसमें आवाज़ क्लियर नहीं मिल रहा है, आवाज़ तो सब बढ़िया है, आवाज़ तेज़ है, सब आवाज़ मतलब कि आवाज़ इसको साफ करना बस यही बातें हैं। तो आवाज़ कैसे साफ होगा, जो ये बेसिंग वोल्टेज यहाँ पे जो मिलता है, यहाँ पे बेसिंग वोल्टेज जो पीला तार यहाँ पर लगा हुआ है जो नीचे वाला, तो यहाँ पे बेसिंग वोल्टेज 1 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्टेज के आसपास इसको बेसिंग वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो 0.80 वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज इतना कम होने की वजह से इसकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है। तो एक बार इसके हम प्री सेट को मिलाकर देख ले रहे हैं कि इसमें प्री सेट जो लगी हुई है, प्री सेट में से मिलाने से क्या अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो हम बेसिंग वोल्टेज पे हम जो है इसका मीटर जो है इसका लगाए रहेंगे, पहली बात तो इसका लगा कर हम चेक कर ले रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये लगा रहेगा, उसके बाद इसका जो प्लेट है प्री सेट इसको मिलाकर देख ले रहे हैं, माइक को हम खोल दे रहे हैं, इसकी आवाज़ को हम खोल करके बढ़ा रहे हैं। हेलो, तो हमने तो यहाँ पे चेक भी किया हूँ, और बेसिंग वोल्टेज हमें दिखाई नहीं दे रहा है मीटर में, फिर भी हम एक बार और चेक कर ले रहे हैं बेसिंग वोल्टेज कितना दे रहा है। तो यहाँ 1.8386 हो गया है, इसको बेसिंग सही कर लेते हैं। चलिए 1.23 कर ले रहे हैं, ठीक है। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों बेसिंग वोल्टेज हमने इसको मिला भी लिया है, लेकिन फिर भी आवाज वैसे ही आ रहा है। तो एक बार हम इसके प्लेट जो है देखिए कहीं सटा है ये, तो ये जैसे इसको हम देख ले रहे हैं कि भाई इसको प्लेट को खोल करके इसमें आवाज को कि यहाँ इसमें प्लेट में कोई समस्या तो नहीं है। दोस्तों वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं ज़्यादा, देखिए भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा नया मिलता रहे, ठीक है। अब ये देखिए प्लेट में अभी कहीं रिपेयरिंग नहीं हुआ है, अभी रिपेयरिंग हमको लग रहा है कि ये अभी बना नहीं है, कहीं मिस्त्री के पास अभी नहीं गया है, और ये बिल्कुल सेफ अभी प्लेट ऐसे दिखाई दे रहा नया।
और इसमें हम वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं। इसमें जो 548 जो वोल्टेज इसमें मिलते हैं हर पिन पर, तो हम इसको पिन पर वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं। पहली बात कि इसमें पिन पर वोल्टेज इसमें कितना शो हो रहा है। तो ये इसमें देखिए जो ये वाला कनेक्शन है, जो ये वाला, तो ये प्लस में है, जो कि यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। इसमें वोल्टेज हम चेक कर ले रहे हैं। पहले हम एम्पलीफायर को चालू कर दे रहे हैं। अब यहाँ वोल्टेज देखिए 11.36 आ रहा है। और इसके यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे तो ग्राउंड है, तो यहाँ भी ठीक है। और आगे हम देख ले रहे हैं, आगे इसके 8.88, यहाँ भी ठीक है। इसके हम तो पहली बात इसके जो यहाँ पे जो बेसिंग वोल्टेज पे पास में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, बेसिंग वोल्टेज के जो प्रीसेट के बगल में ये ट्रांजिस्टर लगा है 548 नंबर का, तो इस पर हम वोल्टेज को हम चेक कर ले रहे हैं। तो ये प्लस है, तो प्लस यहाँ आ गया, तो यहाँ तो सही आ रहा है। देखिए 7.69, मतलब कि यहाँ ठीक है। और इसके कलेक्टर पे 1.18, और यहाँ पे तो यहाँ पे भी सही मिल रहा है वोल्टेज। और आगे हम चेक कर ले रहे हैं, आगे देख ले रहे हैं जो इसमें आगे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इसके 548 के, तो यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से 2-3 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे 1.37 इस पे आप देख रहे हैं, 1.032। ये है हमारा एमीटर, और ये है बेस, ये है कलेक्टर। तो यहाँ पे वोल्टेज सही है, तो ऐसे इस पे भी बेस एमीटर सब ऐसे में देखिए, ये एमीटर और ये है बेस और ये है कलेक्टर, कलेक्टर ये है। तो आगे हमें वोल्टेज तो सब कुछ सही मिल रहा है दोस्तों, इसी विभाग में फॉल्ट है। तो इधर हम पहले नहीं जांच करेंगे, पहले हम इसे इधर जांच करेंगे, हो सकता है कि इधर ही ख़राब हो। तो पहले हम देखते हैं कि कहां से हमें कुछ संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कुछ खराबी का। दोस्तों ये अपना एक ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है ये क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। जैसे हमको अच्छी, हमें जैसे आवाज़ अच्छी चाहिए, तो ये अच्छी आवाज़ नहीं दे पा रही है, आवाज़ में बढ़िया आवाज़ नहीं दे रहा है। तो ये समस्या या तो कैपेसिटर से होगा या तो पीएफ से होगा। तो हम पहले हम क्या चेक करेंगे, तो हो सकता है कि जो ये कंडेंसर लगा हो, ये कंडेंसर ये खराब हो, या तो ये खराब हो, हल्का फुल्का खराब होता है जिसे शॉर्ट मारने लगता है कभी कभी, या तो बिल्कुल खराब हो जाता है, तब ये समस्या ऐसे आती है, या तो ये पीएफ खराब हो सकता है। तो हम पहले जांच कर लेते हैं एक बार, हम इसको कैपेसिटर को हम जांच कर ले रहे हैं, इस पर वोल्टेज मिल रहा है, तो हम ऐसे तो जांच नहीं कर पाएंगे, इसको हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। इसको निकालने के बाद हम इसको हम जांच करेंगे, तभी हमको जानकारी होगी कि अपना ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो थोड़ा मैं आयरन को बंद कर दिया था, अब इसको आयरन को चालू करना पड़ेगा, इसको रख दे रहे हैं। तो दोस्तों हम इसको हम निकाल ले रहे हैं बाहर, और थोड़ा मेरे पास आज बैटरी डाउन पड़ रही है, इन्वर्टर सीटी मार रहा है, तो थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम होगी, मैं थोड़ा एक लाइट कम कर दे रहा हूँ ताकि मेरा वीडियो बन जाए, और इसके मैं लाइट जला दे रहा हूँ, ठीक है। अब दिखाई देगा आपको भी। अब इसको मैं एक बार कंडेंसर को वापस निकाल दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, तब देख रहा हूँ किस में क्या बात सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कैपेसिटर लगे हैं ये, क्योंकि ये कैपेसिटर कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं या तो ख़राब हो जाते हैं, तो ये फॉल्ट ऐसे ऐसे आने लगते हैं। हम पूरी डिक्लेयर नहीं बता सकते हैं कि यही ख़राब हो गया, क्योंकि देखिए हम काम करेंगे तभी जानकारी कर पाएंगे, यदि हम काम ही नहीं करें जानकारी कहाँ से कर पाएंगे। तो पहली बात इसको हम चेक कर ले रहे हैं, तो ये कैपेसिटर है जो से इसमें लगा हुआ है, कैपेसिटर कौन से लगा हुआ है, तो ये इसमें 100U 25 वोल्टेज में लगा हुआ है कैपेसिटर, और हम इसको चेक कर ले रहे हैं।
दोस्तों इससे इसमें से हम ज़्यादा इसके इसको जांच करना हो तो इससे हम सही से जांच नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम एक तरह से हम शॉर्ट को शॉर्ट को हम चेक जरूर कर सकते हैं कि ये सही है कि खराब है। यदि शॉर्ट रहेगा तो तुरंत ये बोलेगा, लेकिन ऐसे हम जानकारी नहीं कर सकते हैं। यदि शॉर्ट रहेगा तब ये बिल्कुल इसमें मीटर में जूझर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा है तो ये शॉर्ट नहीं है, सही है, खराब नहीं है। इसको हम फिर से वापस ऐसे लगा दे रहे हैं, ठीक है, इसको लगा दे रहे हैं फिर से इसको, क्योंकि कैपेसिटर इसमें इस मीटर से चेक नहीं हो पाता है। तो हम या तो एनालॉग मीटर हो, एनालॉग मीटर जैसे सुई वाली, उससे हम चेक कर सकते हैं, इससे हम अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाते हैं। एनालॉग मीटर में ही होता है कि इसमें धीरे धीरे सुई कम होते जाता है, जहाँ रुकना होता है रुक जाता है वो, लेकिन इसमें खट से बंद हो जाता है, मतलब कि रुक जाता है इसमें सुई, ये मीटर जीरो हो जाता है, मतलब कि इसमें कुछ बताता नहीं सही से। तो ये एक बार हम इसको हम अब हमें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ हमें शॉर्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इसको से तो इसमें पीएफ थोड़ा अलग अलग लगा हुआ है, जिसमें इसमें पीएफ एक बार इसको चेक कर ले रहे हैं। और इसमें जो पीएफ लगे हैं जो इसमें 104Z, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे ये वाला, जैसे ये बेस है, बेस जैसे यहाँ जो निकला हुआ है तो यहाँ होते हुए प्लेट से नीचे गया, इसे गया तो 30-55 के ट्राइसेट होता है बेस वाला, तो उसी पर गया है ये लाइन, ये तार, तो यही तार है जिसे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ इसे यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है। तो ऐसे हम इसको हम देखेंगे, या तो इस रेजिस्टेंस या तो प्रीसेट, जिसे इसमें जो लगा हुआ है, या तो रेजिस्टेंस या तो प्रीसेट या तो कैपेसिटर या तो पीएफ, ऐसे ही फॉल्ट को हम देख लेते हैं पहले शुरू शुरू में। यदि ऐसे नहीं मिल रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, तो पहले हम इधर चेक कर ले रहे हैं कि इसमें कौन और फॉल्ट है। तो पहले हम पीएफ को निकाल कर हम दूसरा लगा ले रहे हैं, क्योंकि पीएफ इसमें चेक नहीं होता है, पीएफ को दूसरा ही लगाना पड़ता है। पीएफ यदि 60 होगा तो चेक हो जाएगा। तो ये पीएफ है, देखिए दोस्तों इसमें आपको दिखा दे रहा है पूरी क्लियर में 104Z है, और इसको हम एक बार चेक कर ले रहे हैं, पता नहीं ये कैसा है, सही है कि खराब है। और मेरा इन्वर्टर भी सिटी आज बहुत देर बार रहा, अभी हो सकता है कहूँ काम मेरा बंद हो जाए, सारा अधूरा हो जाएगा काम मेरा। तो अभी देखिए, अभी तो यह अभी कुछ बता नहीं रहा है कि ये सही खराब है, तो इसमें कुछ भी हम इसमें इस पीएफ को जांच करने के लिए इसमें सुविधा नहीं बनाया गया है, फिर भी देख रहे हैं इसमें कि जांच कर ले रहा है कि नहीं जांच कर ले रहा है। इसमें जांच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हम कहीं लगा कर जांच नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको हम एक बार लगा कर देख ले रहे हैं, जो पीएफ है 104H6K, तो दोस्तों इसको हम टाका मार दे रहे हैं, सोल्डरिंग कर दे रहे हैं।
और ये सोल्डरिंग हो चुका है, अब इसको हम देख ले रहे हैं। दोस्तों ये आवाज बिल्कुल चला गया है, जो आवाज ऐसे आ रही थी, जो बज रहा था ऐसे, तो अब ऐसे आवाज नहीं आ रही जैसे आवाज चिचिराहट की आ रही थी, तो बिल्कुल अब सही हो चुका है। तो हम इसको माइक को चेक कर ले रहे हैं। हेलो 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 माइक चेक करो। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों बिल्कुल ये बाजा बिल्कुल सही हो चुका है, और वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो में आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरे वीडियो को बनने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स, ओके।